हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हमारे पास स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है LC1F 185 सीरीज़ का। यह जब ऑन होता है, ऑन होने के बाद एक साउंड करता है हमिंग का। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और साउंड क्यों कर रहा है, और इसका ओपन करके इसका मेंटेनेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है, अब हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले इसका ऊपर का कवर ओपन करेंगे, इसके जिसके लिए दो स्क्रू दिए हुए हैं। इसको ओपन करने के बाद हमें किट शो होगा। किट हमारा सही है, किट में कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम इसका नीचे से कॉयल को ओपन करेंगे। कॉयल को ओपन करने के लिए सिंपल डाउन साइड में देखेंगे, हमारे पास एक ब्लू कलर का लॉक है, उसको प्रेस करके और कॉयल को राइट साइड में स्लाइड करेंगे तो इजीली हमारा जो कॉयल है वो निकल जाएगा फिक्स कोर के साथ। कॉयल निकालने के बाद हम देखेंगे इसके जो फिक्स और मूविंग कोर है, इसके बीच में डस्ट आ जाता है। डस्ट आने की वजह से जब इसमें सप्लाई दी जाती है, इसमें जो फ्लक्स बनता है, मैग्नेट बनता है, तो ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेट करता है और यही वाइब्रेशन हमिंग नॉइस में हमको सुनाई देता है। तो हम दोनों कोर का जो सरफेस है चिपकने वाला, उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे एमरी पेपर से। जैसा कि दिख रहा है ब्लैक ब्लैक हो गया है, ये वाइट होना चाहिए, एक्चुअल में क्लीन होना चाहिए, रस्टी हो गया है और कुछ डस्ट भी हो गया है। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद असेंबलिंग दोबारा करेंगे, इसका जो नॉइस आ रहा है बार बार ऑपरेट होने से इसके अंदर जो डस्ट होता है या जो स्पार्क वगैरह होता है या कुछ ऐसे धूल मिट्टी कण होते हैं वो आके बीच में चिपक जाते हैं। फिक्स और मूविंग दोनों को हम क्लीन करेंगे अच्छे से। क्लीन करने के बाद एयर से क्लीन करेंगे उसको, एयर से क्लीन करने के बाद इसको फिक्स करेंगे, दोबारा से असेंबल करेंगे। जैसा कि हमारा क्लीन हो गया है तो हम इसको कॉयल लगा के इसका क्लैम्प जो होता है साइड से फिक्स करने का, उसको लगाएंगे लॉक। लॉक लगाने के बाद इसको फिर कॉन्टैक्टर के अंदर डाल दिया जाएगा। वाइब्रेशन से हमारा जो किट है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो इसके ऊपर टेंशन स्प्रिंग लगी होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्पार्क होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसे हमें जब भी ऐसा कुछ हो तो इसे हमें क्लीन करके और फिक्स कर लेना चाहिए। लॉक लगने के बाद इसको कॉइल को दोबारा हम कॉन्टेक्टर के अंदर असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद दोबारा हम जो किट का कवर है ऊपर का, उसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद कॉन्टेक्टर जहाँ से हमने ओपन किया था वहाँ लगा के और इसको सप्लाई देके चेक करेंगे कि दोबारा इसमें नॉइस है या नहीं है, या जो भी हमिंग साउंड आ रहा था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं। बोलो, ऑन कराओ। ठीक है,